Hi everyone, welcome to Study Wind. I hope you all are fine and doing great. So last videos में हमने peninsula, straits, islands और plateaus के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे plains के बारे में. So plains earth पर जो चार major landforms हैं उनमें से one of the most important landform है. Plains earth पर land surface का 1/3 portion यानी कि 33% area cover करते हैं. Generally plains आपको हर continent पर देखने को मिल जाएंगे बट कई बुक्स में एंटार्क्टिका को कोल्ड डेजर्ट कैटेगरी में रखा गया है. सो वी कैन से दैट कि प्लेन्स एंटार्क्टिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट में मिलते हैं. अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो प्लेन्स आपको हर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्लेन्स होते क्या हैं. सो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड और वी कैन से दैट कि प्लेन्स रेफर टू अ फ्लैट एरिया विद लिटिल और नो चेंजेस इन एलिवेशन. इट मीन्स जो फ्लैट एरिया है जिसकी हाइट हर जगह ऑलमोस्ट सेम हो या थोड़ी बहुत चेंज हो रही हो उसे हम प्लेन कहते हैं. जो लंबे चौड़े मैदान हैं बेसिकली वही प्लेन्स हैं. लाइक हमने माउंटेन्स देखे जिनकी पीक थी, फिर प्लेट्यूज देखे जिनकी हाइट तो थी बट माउंटेन्स की तरह पीक नहीं थी, वो ऊपर से फ्लैट थे. अब हमने प्लेन्स को देखा जो नॉर्मली फ्लैट लैंड्स हैं. टेक्निकली इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो लैंड एरिया जिसके हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स में बहुत ही कम डिफरेंस हो उसे हम प्लेन कहते हैं. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जनरली प्लेन्स की हाइट सी लेवल से 200 मीटर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेन्स या तो एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं, इट मीन्स बिल्कुल फ्लैट होंगे, या फिर स्लाइट रोलिंग और अनड्यूलेटिंग होंगे. इट मीन्स थोड़ा बहुत इस तरीके का आपको रोल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है बट ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंडिंग इट. प्लेन के फॉर्मेशन का रीज़न क्या है ये चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि जब रिवर माउंटेन से फ्लो करके आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, पत्थर, सैंड, सिल्ट, ये सब लाकर रिवर डिपॉजिट करती है एंड ओवर द ईयर्स प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं. ऑल दो प्लेन्स के बनने के पीछे और भी कई सारे रीजन्स हैं जिन्हें हम कभी फिर डिस्कस करेंगे. प्लेन्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो अभी आपको जो मैप दिख रहा है वो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है प्लेन्स का. सेकेंड एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रेट प्लेन्स का, ये काफ़ी फेमस प्लेन्स हैं. एक और एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट चाइना में मंचूरियन प्लेन्स का. सो चाइना का एक और प्लेन है दैट इज़ यांगत्से प्लेन, ठीक है, स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी. सो ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेन्स में से एक है. सो इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं प्लेन्स को समझने के लिए. सो प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल होते हैं. फार्मिंग के लिए प्लेन्स सूटेबल हैं, रोड्स बनाने के लिए या घर बनाने के लिए प्लेन्स परफेक्ट लैंडफॉर्म है. बाकी लैंडफॉर्म्स के कंपैरिजन में प्लेन्स पर आपको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. इसके अलावा प्लेन्स काफ़ी पॉपुलेटेड रीजन है बिकॉज यहाँ की रहने की जो कंडीशन है, यहाँ के लाइफस्टाइल जो है लोगों का काफ़ी ज़्यादा ईजी है कंपेरेटिव टू द अदर लैंडफॉर्म्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेन्स. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्लेन्स होते क्या हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैव अ गुड डे.